अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी फिलहाल हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम हमेशा की तरह अपनी गाड़ी में मौजूद हैं जी। तो फिलहाल जी आज के सीन्स ये हैं कि मुझे जाना है, गाड़ी की साइड स्कर्ट्स रिमूव करवानी है, वो रिमूव करवाएंगे। और साथ में जी काफ़ी लोग कमेंट में डिमांड कर रहे थे जी अपनी गाड़ी का रिव्यू करें। तो मैंने सोचा जी आज फाइनली टाइम निकाल के गाड़ी का रिव्यू कर लिया जाए। तो चलते हैं जी गाड़ी का रिव्यू करने। सबसे पहले तो एक छोटा सा हम वॉक राउंड बनाएंगे, तो पहले वो करेंगे, फिर आप वापस आएंगे अपने व्लॉग की तरफ। तो चलते हैं जी सबसे पहले गाड़ी का रिव्यू के लिए, बाकी बातें आपसे होंगी आकर। तो लेट्स गो। तो जी हम आ चुके हैं जी अपनी लोकेशन पर, और जहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी का एक छोटा सा रिव्यू करना है। तो हम जल्दी से जाते हैं, वो रिव्यू बनाते हैं, उसके बाद जी वापसी आपसे आके मिलते हैं। तो चलते हैं जी रिव्यू की तरफ, वो भी इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे एक आधे दिन में ज़रूर नज़र आ जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और रिव्यू का वेट कीजिएगा। तो जी गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आ जाए, तो हम सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलेगा हमारा आर स्टीयरिंग व्हील। इसमें जी आफ्टर मार्केट आर स्टीयरिंग लगा रहा है, जो कि जी फाइनली हमारी गाड़ी का रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा वॉक राउंड था मैं आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको एक दो दिन में मेरे चैनल पे नजर आ जाएगा। तो जी अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं जी मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, तो आपको जैसे ही रिव्यू अपलोड होगा तो आपको जी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप जाके मेरा रिव्यू लाजमी देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अच्छा तो जी आप लोगों से दो ज़रूरी बातें करनी थी, जो कि हमेशा मेरी बातें रह जाती हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना भूल जाता हूँ। तो मैं जी कमेंट्स रीड कर रहा था, उसमें मैं काफ़ी कमेंट्स देख रहा था लास्ट वीडियो पे भी, उससे पहले भी, कि जी काफ़ी लोग मुझे बता रहे थे कि जी इसको कॉपी किया हुआ, उसको कॉपी किया हुआ, जी फलाने को कॉपी कर रहे हैं, जी फलाना भी यहाँ पर जाता है, जी वो भी यहाँ पर जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी आप लोग समझ जाएंगे। समझ रहे हो आप। तो जी इस तरह की कोई बात नहीं है, मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा, मेरा अपना कंटेंट है, सबका डिफरेंट अपना कंटेंट है जी। हम एक ही कम्युनिटी के लोग हैं जी, हमारी आपस में इस तरह की कोई लड़ाई या कोई इस तरह की कोई मुकाबलाबाजी नहीं होती। तो ये आप लोग ही क्रिएट करते हैं खुद ही, तो इस तरह का जी हमारा कोई सीन नहीं है। फर्ज करें अगर वो भी कार कम्युनिटी के हैं और वो भी इसी तरह के व्लॉगिंग कर रहे हैं, कार से रिलेटेड आपके लिए इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कॉन्टेंट ला रहे हैं। मैं भी पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए जी मज़ेदार वीडियोज लाऊँ, और सब जी अपना कंटेंट कर रहे हैं, कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा। तो ये बात जी दिल से निकाल देंगे जी, कोई किसी को कॉपी कर रहे हैं या किसी के आपस में जी मुकाबला है, तो जी हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, सब भाइयों की तरह, सब एक कम्युनिटी के हिस्सा है। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है कि कोई एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं या हेट फैला रहे हैं। तो काइंडली आप लोग भी जी अपने हेट फैलाना बंद करें। अगर कोई बुरे कमेंट्स कर रहे हैं कि जी ये करो वो करो, आप कमेंट कॉपी कर रहे हो, अपना कॉन्टेंट लाओ, तो जी मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना कॉन्टेंट ही लाऊँ। तो मेहरबानी जी थोड़ा सा हेट फैलाना बंद करें, और बाकी जो भाई सपोर्ट कर रहे होते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं, यार कसम से दिल से खुशी होती है, और कमेंट्स रीड करके बहुत मज़ा आ रहा होता है। लेकिन जब बीच में ये कमेंट आ जाता है ना, तब थोड़ा सा फिर हो जाता है। चलें कोई नहीं, खैर वो भी यार चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने भी किया है, वो भी हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और सेकंड बात ये थी कि जी अगर आप लोग मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, या आप अगर मेरे एरिया में रहते हैं, या जिस तरह भी आप मुझे जानते हैं, ठीक है, तो या आप मेरे को पुराने फ्रेंड थे या जो भी, यार जैसे भी आप मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं यूट्यूब के अलावा भी, तो यार मेहरबानी करो भाई, कमेंट्स में मेरी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सुबह के टाइम जी मैं उठाऊँ और मैं वाइट अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल के जी देख रहा हूँ, तो उसमें जी मैं कमेंट सेक्शन में गया हूँ, तो जी मुझे सबसे लेटेस्ट एक कमेंट आया हुआ था जी किसी अब्दुल्ला नामी भाई का, ठीक है। तो वो मुझे बता रहे थे कि जी आप इस एरिया में रहते हैं, आपकी बैक वाली गली में मैं रहता हूँ, और आप स्कूल से पढ़े हैं, उसके बाद ये वो, मैं आपको तब काफ़ी अरसे से जानता हूँ। तो यार सबसे पहले तो भाईजान थैंक यू, आपने बता दिया, ठीक है, मतलब ठीक है यार, आप वीडियोज़ देख रहे हो, आप प्यार दे रहे हो और सपोर्ट भी कर रहे हो, तो यार उसके लिए थैंक यू। लेकिन यार पर्सनल इन्फॉर्मेशन या किसी तरह की भी, यार अगर आप बीच में घर का एड्रेस और ये सारा एरिया ये सब बता रहे हैं बार बार, तो अच्छा नहीं लगता यार, मेरे से बात करना ही चाहते हैं। तो जी आप इंस्टाग्राम पे जाके सिंपली मैसेज करके आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं, तो आप जाके इंस्टाग्राम पर मेरे साथ बात कर सकते हैं।
तो बस कमेंट्स में जिस तरह की बातें ना किया करें, ताकि जो सबसे आगे तक जो है अब्दुल्ला भाई, ये आपके लिए थी। तो ये उम्मीद है जी आप समझ गए होंगे अगर आप लोग आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। खैर जी, बातें काफ़ी लंबी हो गई और ये करनी भी ज़रूरी थी। हमेशा हर वीडियो में मैं स्किप कर देता था ये बात, मैं जहन में रखता था कि यार जी आज करनी है, लेकिन हमेशा रह जाती थी। तो जी कमेंट्स में आपके सबके रीड करता होता हूँ और बहुत मज़ा आता है, और रिप्लाई भी कर देता होता हूँ, कोशिश होती है, लेकिन यार बस टाइम नहीं होता। व्लॉगिंग साथ वीडियोज़ एडिट, वीडियोज़ बनाना, उसके बाद अपने भी थोड़े बहुत काम होते हैं सबके, तो गाड़ी के अलावा भी यार एक लाइफ है इंसान की, तो उसको भी देखना होता है साथ साथ, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं होता कि सबके कमेंट्स रीड करके उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। तो जी बाकी ऐसे भाई को सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आपको मज़े की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। चैनल को जी सब्सक्राइब याद से कर दिया करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और ऐसी वीडियोस देख रहे हैं तो यार जाओ जल्दी से, 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ, आप जल्दी से जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 2 3 गो। ये 10 सेकंड हो चुके हैं, उम्मीद है जी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अब तो शायद कर ही दिया होगा। अगर अभी भी किसी ने नहीं किया तो जल्दी से जाओ दोबारा जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जी खैर ये बातें तो होती रहेंगी, तो अभी सबसे पहले हमें जी जाना है वर्कशॉप किसी बॉडी गेट वाले के पास या बम्पर्स रिपेयरिंग वाले के पास जाके जी सबसे पहले तो जी साइड स्कर्ट्स रिमूव करवाएं। एक तो मुझे कमेंट्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो जी ये मैं पहले दिन से मैं भी करवाना चाह रहा था लेकिन बस टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज ही हमने टाइम निकाला है। तो जी आज हम जाएंगे सबसे पहले साइड स्कर्ट्स रिमूव करवाएंगे। उतर जाएंगी नीचे वाली खराब तो नहीं होंगी, इसके नीचे जेन्युइन लगी हुई है, नीचे जेन्युइन लगी रहने तो वो नहीं नहीं वो तो लगी रहनी है ना, वो तो लगी, सिर्फ ऊपर वाली रिमूव करवानी है, खराब ना हो बस ध्यान से। ठीक है सर, ला देते हैं। अच्छा दूसरा ना इसके नीचे ना ये जो है ना साइड स्कर्ट, इसके नीचे लाइट भी लगी हुई है, हाथ से लगा के देखो ना लाइट लगी हुई है, वो लाइट जरा पहले मैं तो कहता हूँ उतार लो आराम से या जो भी। लाइट तो आनी फिर ना, लाइट लगानी है, लाइट लगवानी फिर दोबारा। हाँ एलफी से लगा लेते हैं वो हल्की हल्की, आप पहले वो उतार लेना नीचे। ये जी हमारी लाइट आ गई है जी जो उतर गई है, तो ये दोबारा इंस्टॉल करवाएंगे अगर अच्छी लगी। जैक रॉड और बस ठीक है, पाना दूसरा वाला चाहिए वो कहीं और से ले लेते हैं। मेरी शॉप से चीज़ें ले ली लेकिन हम अपना वॉलेट लेकर जाना भूल गए थे। ये जी हमारा बैग है जिसमें जी सारा गाड़ी के पॉलिशेस वगैरह और वो सारा सामान है। कुछ बचा हुआ? ये जी क्लिप्स लग रहे हैं और बाकी हो चुका है। तो जी साइड स्कर्ट्स हमारी रिमूव होकर इंस्टॉल हो चुकी है। जी हमारी फाइनली जी साइड स्कर्ट्स रिमूव होकर इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये मुझे भी नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ लेकिन जी साइड स्कर्ट्स के ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा
कवर्स लगे हुए थे या एक्स्ट्रा स्कर्ट्स लगी हुई थी वो हमारी जी रिमूव हो चुकी हैं, और जेन्युइन जो साइड स्कर्ट्स हमारी आती हैं इस मॉडल में तो वो हमारी वापस इंस्टॉल हो गई उतर के। तो उसकी हालत ज़रा भी काफ़ी खस्ता है, मुझे लग रहा था कि नीचे से शायद वो साफ़ होगा या, लेकिन जी अभी उसको या तो घर पर जाके ना तो ब्लैक पेंट थोड़ा सा मारते हैं या फिर रैप करवा लेते हैं। दो चीज़ तरीके हैं, अब देखते हैं इनमें से कौन सा हम अप्लाई करते हैं, और फिर या फिर जाके मैं सीधा गोल्ड पेंट ही करा लूँगा सेम मैचिंग बॉडी। तो देखते हैं क्या करते हैं, अभी शायद आरजी तौर पे इस तरह बुरी लग रही है तो जाकर मेरे ख्याल से ब्लैक पेंट थोड़ा सा मार के तो थोड़ी थोड़ी सेट कर देते हैं, प्लास्टिक या पेंट रुक जाएगा और थोड़ी सी रगड़ाई करके तो घर पे ही जी आज पेंटर बनते हैं जाके। कहाँ जा रहे हैं जी, हम जा रहे हैं जी कुछ पेड़ पूजा करने, भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है और बाहर निकले और कुछ खाओ ना ये तो हो नहीं सकता। तो जी अभी जाते हैं जी अली अहमद के पास, उसको भी मैंने बुला लिया जी। बाकी यार इंशाल्लाह साथ साथ मॉडिफिकेशंस हमारी चलती रहेंगी, ये हो नहीं सकता कि आप कभी भी एक चीज़ पे टिके रहो, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह आप साथ साथ लाते रहते हो। और बस ना ये सारा दिन मेरा काम यही होता है, मैं सर्चिंग कर रहूँगा और चीज़ें देखूँगा, जो अच्छी लग रही होगी वो जी सेव कर लूँगा अपने नोट्स में। पूरी मैंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई हुई है जो आहिस्ता आहिस्ता मुझे करना है, आपको पता है यार स्टूडेंट हैं हम भी अभी, तो सब चीज़ें अपने पॉकेट मनी में से और वैसे ही मैनेज करनी होती है। मुझे ज़्यादा कुछ शौक भी नहीं है कि जी घर से लेकर तो गाड़ी पे लगाऊं, तो यार जब भी आप शौक पूरा कर रहे हो तो कोशिश करो अपनी पॉकेट से करो, ठीक है। जो उस चीज़ का मज़ा आता है ना वो अगर आप घर अपने फादर से पैसे ले लो या किसी से भी ले लो ना तो आपको वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी। पुरानी गाड़ी पे भी यही था, साल डेढ़ मैं अपने मतलब पॉकेट मनी सारी गाड़ी पे लगा देता था, तो अब भी वही से हिसाब है जी कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जी चीज़ें ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, अभी मैंने उस दिन मैंने आपको बताया था नवान से मैंने फ्रंट बैक कैम्पर किट्स इसकी देखी थी, तो इंशाल्लाह बस उसके भी थोड़े से पैसे पूरे करते हैं और मेरी पेमेंट आनी है जी, तो जैसे ही पैसे आएंगे तो हम नवान को पे करके तो उससे कैमरा किट्स उठा लेंगे, उम्मीद तो है। बाकी देखते हैं यार जो बेहतर हुआ, और फिर इंशाल्लाह ड्रॉप ड्रूप भी मारते हैं ज़रा एक ही दफ़ा करते हैं, कुछ शो वगैरह भी उम्मीद है तब तक आ जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार बस ना अब एक दफ़ा जब मैं लुक निकालूँ ना मतलब ड्रॉप करके पूरी फिटमेंट या टक इन या जो भी होगा तो वो एक ही दफ़ा शो पे करें, क्योंकि इस तरह इतना टाइम निकाल के यार जलील हो उसके बाद जी करो शरो वीडियोस वगैरह बनाओ और बस, तो उसमें ना वो मज़ा नहीं आता। जब वो शो से एक दिन पहले करते हैं ना फिर शो पर लेकर जाना वो एक्साइटमेंट और वो मज़ा तब भी हो सकता है। तो अभी जी आ चुके हैं हम अली अहमद के पास और वो आ गए हैं, उसको पिक करते हैं और कुछ खाते हैं और बाकी की बातें बाद में, और व्लॉग कर देंगे हम फिर एंड। ये क्या हुआ? गुलाबी गुलाबी कैसे हो जी? अल्लाह का शुक्र। ये साइड स्कर्ट्स उतारी हैं ये वो पेंडू वाली फ्रेश फ्रेश यस ब्रो। तो जी हमारा खाना आ चुका है और हम अकेले अकेले खाएंगे, ये भाई तो खाना नहीं चाह रहे और बस खाना खाते हैं बाकी की बात फिर। अच्छा तो जी सीन्स ये हैं कि हम हो चुके हैं फ्री और जिस काम से निकले थे वो काम हमारा हो चुका है तो उसको भी मिल ली है, उसके बाद उसके साथ प्लानिंग्स भी हो गई हैं। तो यार इस बंदे को जब भी मैं मिलता हूँ ना तो हमारी यकीन करें 3 घंटे हम बैठे रहना, अभी भी को 2 घंटे या घंटा डेढ़ तो बैठे ही हैं, तो हमारी सिर्फ गाड़ी की प्लानिंग चलती है, सिर्फ गाड़ी की चलती है कि हमने उसने ये करना है मैंने वो करना है, ये करना था ये उसने कर लिया, ये इसने करना था ये करेंगे वो करेंगे मतलब मुसलसल को 3 घंटे हमारी सिर्फ प्लानिंग चलती है। उससे और मुझे पूरा एक दिन मिल जाए ना तो यार यकीन करो हम लोग पूरा दिन प्लानिंग करते रहेंगे, मतलब थकते ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की फिर कंपनी में आप एंजॉय भी काफ़ी करते हो जब दोनों एक जैसे बंदे हो ना तो बहुत मज़ा आता है। तो बाकी हमारे साथ कोई और अगर कभी बैठा हो ना तो वो हमारे आगे हाथ जोड़ने भी आ जाते हैं, भाई बस कर दो अपनी गाड़ियों का घर जाके कर लेना, तो ये हमारा हिसाब है। तो अब जी शाम हो रही है और टाइम हो रहे हैं कोई साढ़े बल्कि 5:45 हो रहा है और जी चलते हैं अब जी घर की तरफ।
तो जी आज का व्लॉग हम अपना करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद है जी आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा, और अगर नहीं भी किया, अगर आप बोर हुए हो तो यार उसके लिए माजरत, डेली व्लॉगिंग है भाई, करो कंप्रोमाइज। तो जी उम्मीद है जी आपने एंजॉय किया होगा और मेरी बातों से बोर भी ज्यादा नहीं हुए होंगे। तो जी आज का व्लॉग हम यहाँ पे करते हैं अपना एंड, उम्मीद है जी आपने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।